नमस्कार दोस्तों, और आप सबका फिर से स्वागत है द क्रेडिबल इंडियन में। आज हम वापस लेके आए हैं व्हाट हैपेंड नेक्स्ट वीक का अगला एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले याद रखें कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली तारीख 3 मई सन 1913, आप सबको जान के बहुत हैरानी और खुशी होगी कि भारतीय फिल्म जगत की सबसे पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र इस दिन रिलीज हुई थी। इसके रचयिता थे श्री दादा साहब फाल्के। इन्होंने भारतीय फिल्म जगत के आने वाले कई दशकों के लिए इस इंडस्ट्री को मार्गदर्शित करते हुए आसमान की कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि साल में मई के महीने का पहला संडे वर्ल्ड लाफ्टर डे के तौर पर भी मनाया जाता है, और ये इस वर्ष 3 मई को ही पड़ रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि वर्ल्ड लाफ्टर डे पे खुश रहें और खुशियां बांटें। चलते हैं अगली तारीख की ओर, जो कि है 4 मई। सन 1989 में इस दिन मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनके इस देश के इतिहास को रचा। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि 20वीं सदी में ब्रिटेन पे प्रधानमंत्री के तौर पे काम करने वाली सबसे ज्यादा लंबी ड्यूरेशन भी मार्गरेट थैचर के नाम ही है। ये 1990 तक सत्ता में थी। जी हाँ, इसीलिए इन्हें आयरन लेडी ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। अब रुक करते हैं 5 मई की ओर, जो कि अंतरिक्ष में रुचि रखने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन अमरीका के एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड जूनियर अमरीकी इतिहास में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। इन्होंने ये उपलब्धि यूरी गैगरिन, जो कि यूएसएसआर के थे और इतिहास में अंतरिक्ष में सफर करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, उनसे मात्र 23 दिन बाद हासिल करी। एलन की यह उड़ान करीब 15 मिनट तक चली फ्रीडम 7 नाम की स्पेसक्राफ्ट में, और इनका यान 187 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। अब बात करते हैं 6 मई की, जो कि इतिहास का एक बहुत ही त्रासद दिन था। सन 1937 में बहुत ही मशहूर हिंडनबर्ग वायुयान का हादसा इस तारीख को हुआ था। इस हादसे में तकरीबन 35 लोगों की जान गई, और इस हादसे की वजह से एयरशिप इंडस्ट्रीज के ऊपर पूरी तरह से रोक लग गई। अब बात करते हैं 7 मई की, 1946 में। इस दिन टोक्यो में एक कंपनी टोक्यो टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की नींव रखी गई। इस कंपनी का नाम बाद में पड़ा सोनी। जी हाँ, इन्होंने सिर्फ 20 लोगों के साथ ये कंपनी शुरू करी थी, और आज आप सोनी की ऊंचाइयों तो जानते ही हैं कि वो 7वें आसमान पे कैसे पहुंच गए। अब बात करते हैं इसी तारीख की एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में कोलकाता में भी हुआ था। ऐसी महान हस्ती को शत शत नमन। अब बात करते हैं 8 मई की, सन 1945 में। इस दिन दूसरे विश्व युद्ध का यूरोप में पूरी तरह से अंत हो गया था। जर्मनी के सरेंडर के बाद यूरोप में विजयता हासिल की गई, और पूरे विश्व युद्ध की समाप्ति थोड़े समय बाद हुई थी जब जापान ने एशिया पैसिफिक में सरेंडर किया था। और आपको एक और फैक्ट बताऊं तो ये वो दिन है जब विश्व प्रसिद्ध कोका कोला सन 1886 में उसके रचयिता जॉन पेम्बरटन द्वारा पेटेंट कराई गई थी एक मेडिसिन के तौर पे। अब बात करते हैं 9 मई की, जब 1926 में नॉर्थ पोल के ऊपर विमान से उड़ान भरने वाले रिचर्ड बर्ड और उनके को पायलट फ्लॉयड बेनेट दुनिया के सबसे पहले इंसान बने। हालांकि ये तारीख बाद में थोड़ी विवादास्पद हो गई, क्योंकि रिचर्ड बर्ड की एक डायरी बरामद होने के बाद यह पता चला कि शायद उन्होंने नॉर्थ पोल पहुंचने से 150 मील पहले ही एक ऑयल लीक की वजह से अपना विमान वापस मोड़ लिया था। पर उस बात को नज़रअंदाज करते हुए ये बात भी मैं आपको बता दूं कि रिचर्ड बर्ड ही दुनिया के वो पायलट हैं जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर से भी पहली बारी उड़ान भरने का रिकॉर्ड कायम किया। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने बेशकीमती कमेंट्स ड्रॉप करें। ऐसी ही वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।